दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि वीवो के किसी भी महंगे फोन में यहाँ पर फ्रंट कैमरे के पास लाइट कैसे लगाएं। जिस कलर का आप कलर चाहो उस कलर का लाइट लगा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि फ्रंट कैमरे के पास मैंने येलो कलर की लाइट लगाई है। आप चाहे तो ग्रीन, पिंक, येलो, ब्लू जो भी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। पर यह लाइट लगेगी कैसे और लाइट लगा कर इस तरीके से घुमाएंगे कैसे, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक ना। अगर आप नहीं जानते हो वीवो के फोन में प्रकार की लाइट लगाना तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही जल्दी सीख जाओगे और अब भी आप भी अपने वीवो के फोन में इस प्रकार की लाइट को लगा सकोगे। तो दोस्तों करना क्या है उसके लिए हमारी इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमें आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी के बटन पर दबा के ऑल के ऊपर में क्लिक कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हम वीवो के यहाँ पर फ्रंट कैमरे पर लाइट को लगाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको अपने फोन के प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे जाना है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है इनरीडिंग यूनिवर्सल एडिटर, ठीक ना। इसको आपको इंस्टॉल कर इसको ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर एरो है, एरो पे क्लिक करना है, डन पर क्लिक करना है। जैसे डन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से ऑप्शन आएगा, यहाँ पर एक परमिशन है, इस परमिशन पर क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के लिए कहेगा, ओके पे क्लिक करना है। सबसे नीचे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड ऐप्स है, इसके ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे इस पर क्लिक करना है, पहले परमिशन को ओके करना है, अलाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन आएगा, इसको यहाँ पर इस तरीके से सेव कर लेना है और इसके ऊपर में टिक कर देना है, यह परमिशन ऑन हो जाएगा। उसके बाद दूसरा परमिशन को ऑन करना है, गोट इट पर क्लिक करना है। जैसे गोट इट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कॉर्नर में इस प्रकार से एक लोगो सा बन जाएगा। अब देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर बैक हो जाना है। जैसे दोस्तों बैक हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्रीन आपको यहाँ पर लाइट लग चुकी है। इस लाइट को अगर हमें थोड़ा सा मोटा करना है, देखिए इस तरीके से हम जितना इसको इधर बढ़ाएंगे उतना देखिए लाइट इस प्रकार से हो जाएगी, इस तरीके से कम करेंगे तो थोड़ा सा इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक ना। अब इसके कलर को हमको चेंज करना है तो कैसे करेंगे, इस तरीके से जब हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कलर का ऑप्शन है, इसके ऊपर में क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी ये ग्रीन और रेड है तो ऐड कलर करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मैं पिंक लेना चाहता हूँ तो पिंक को ऐड कर लिया, उसके बाद में पिंक के साथ साथ ग्रीन को ऐड करूँगा तो मैं यहाँ पे ग्रीन को ऐड कर दिया और बाकी जो पहले का कलर था उसको मैं कट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पिंक और ग्रीन हो गया। आप चाहो तो यहाँ पर 4-5 कलर भी ऐड करोगे तो इस प्रकार से देखिए घूमता रहेगा। तो ये कैसे घूम रहा है यह मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कि चार्जिंग एनिमेशन है, यहाँ पर देखिए जब हम यहाँ पर नो एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो ये नहीं घूमेगा, लेकिन जब हम इसको लाइनर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से घूमेगा। या कब घूमेगा, जब हम अपने फ़ोन को चार्ज में लगाए रहेंगे तब इस प्रकार से ये लाइटिंग घूमेगी। अगर हम चार्ज से इसको निकाल देंगे तो कुछ इस प्रकार से यह नहीं घूमेगा, इस प्रकार से हमको डिस्प्ले पर दिखाई देता रहेगा जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बता रहे थे कि वीवो के किसी भी महंगे फ़ोन के अंदर में हम किस तरीके से ये वाली लाइट को लगाएंगे। वीडियो हमारी अगर अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर जाना, और चैनल पर पहली बार आए हैं इस तरीके से वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।